के गोस्वामी जी का सानिध्य इस फिल्म में रहे और ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल करें, तो बीइंग ए डायरेक्टर मैं चाह रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी चाह ही रहे हैं, बस इनकी इच्छा के ऊपर है, तो ये करेंगे ही। थैंक यू। ठीक है सर, क्या करेंगे कि नहीं? हम पिक्चर ज़रूर करेंगे। एक्चुअल जब मैं मुंबई के लिए रवाना हुआ था मुजफ्फरपुर से, तब ब्रजभूषण जी का नाम बहुत सुना था उन दिनों। मैं जब बच्चा था तब से इनकी फिल्में देखता आया हूँ और इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सो मैं आप यहाँ आने के बाद अंजनी तिवारी जी, ब्रजभूषण जी, कुणाल जी, विजय खड़े जी, यही तो हमारे लिए गॉडफादर थे। ये लोग ही थे जिनके सानिध्य में मुझे काम करना था और जिनसे मैं आकर के मिल सकता था। तो मैं आके इनके घर पे भी गया था माहिम में, और ये मैं 1994 की बात है जब मैं इनके घर पे गया था, वहाँ पर भी मुलाकात हुई थी। और सबके साथ मैं मिलता रहा हूँ, ऑफ कोर्स इन्होंने मुझे आज ब्रेक दिया है तो मैं इस नहीं, ये मुझे काम करने का जो ब्रेक मिला है, फिल्मों वाला ब्रेक, ये इसको मैं पूरी अच्छी तरह से भुनाऊंगा, क्योंकि इस ब्रेक के लिए मैं 20-22 साल तरपा हूँ, तरसा हूँ कि मैं ब्रज भैया के साथ कब काम करूँगा। ये सच्चाई है, ईमानदारी की बात है। जब भी इनकी फिल्में मैं कंप्लीट सिनेमा या कहीं पर भी मैं देखता हूँ, तो मुझे देख करके हाय प्रच्छी, मैं कब करूँगा इनके साथ काम। सो मेरी तो ये कसक अब पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, और इन साल पर, नए साल पर आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, तरक्की करें, आप भी खुश रहिए, अपने पड़ोसियों को खुश रखिए, घर परिवार को खुश रखिए, माँ बहनों को खुश रखिए। इस फिल्म के नाम है बेपरवाह। आप कितना बेपरवाह हैं लाइफ में? मैं बिल्कुल बेपरवाह नहीं हूँ लाइफ में। लाइफ में ये फिल्म का नाम बेपरवाह है, बेपरवाहों को ठीक करने के लिए, उनको परवाह पे लाने के लिए इस फिल्म का नाम बेपरवाह रखा गया है। आज मैं गाने की रिकॉर्डिंग पर आया था, गाना सुनकर इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अमित जी ने बहुत प्यारा गाया है, बहुत प्यार से गाया है इसको। और साथ में हम तो सर को पहली बार मिला हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर हैं सर सिकंदर शाह जी, बहुत अच्छा ये बता रहे थे उनको, आप जरा ये वाला ये लाइन ऐसे गा दीजिए, और वो गा रहे थे तो मज़ा आ रहा था सुनकर। और मेरे लिए आज दुगुना खुशी है, आज ये टी शर्ट ये टी शर्ट और एक शर्ट लता मंगेशकर जी ने मुझे भेजा है, आज ही पहना हूँ, पहला दिन है इसका। और आज यहाँ मैं गाने की रिकॉर्डिंग पर आया हूँ, यहाँ भी माँ सरस्वती, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, कोई मैसेज भी उन्होंने भेजा है लता? उनसे मेरी मतलब फ़ोन पर बहुत देर तक बात हुई है, मैंने उनको टी शर्ट पहनते हुए, उनका रैप खोलते हुए, उनका साइन किया हुआ, वो सब वीडियो बना करके, फिर पूरे कपड़े पहन के, एक शर्ट भी भेजा उन्होंने, उसको भी पहना हूँ, वीडियो बनाकर उनको भेजा है मैंने। क्या खास वजह थी कि उन्होंने आपको टी शर्ट और शर्ट भेजा? न्यू ईयर पर वो CID सीरियल, एक्चुअल CID के बहुत बड़ी फ़ैन है वो, और गुटरगुन सीरियल के, तो वो बहुत प्यार करती हैं हम लोगों को, मुझे, दया सर, साटम साहब जो CID के टीम है, और गुटरगुन के टीम को वो बहुत प्यार करती हैं। और हम लोगों को वो हमेशा उनका बर्थडे होता है तो बुलाती हैं, उनके घर पे हम लोग खाना खाने जाते हैं, गणपति जी में बुलाती हैं, वो साक्षात सचमुच देवी हैं, माता हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग कैसी, कब थी आपकी लता जी के साथ फर्स्ट मीटिंग? उनके साथ अभी से 5-6 साल पहले उनके घर पे बर्थडे मनाया गया था। जब मेरी एंट्री हुई थी CID में, तो मुझे बताया गया कि आपको भी दीदी ने बुलाया है, तो मैं गया, तो मैं उनको देखते रह गया था, दीदी को देख रहा था। तो वो आई और वहाँ क्यों हो, तो मैं ऐसा खड़ा था, तो दया सर आए, बोले दीदी बुला रही है सर, दीदी बुला रही है। मैं बोला हाँ दीदी, आप इधर आओ, इधर आइए, यहाँ बैठिए। ओ
पूछिए मत दीदी का, आह बहुत अच्छी हैं दीदी, बहुत प्यार से अपने हाथों से जब उनके घर पे जाते हैं जो भी होता है ड्राई फ्रूट से खाने का, वो कुछ भी ये खाओ ये बहुत अच्छा है, ये बोला अच्छा ये भी खा के देखो जरा टेस्ट तो करो। तो उनके साथ इस तरह की मीटिंग होती है उनके घर। नया साल में कैसे सेलिब्रेट किया? नए साल पर हर साल मैं बाहर बाहर जाता हूँ, घूमता हूँ, इंजॉय करता था, मतलब इंजॉय मीन्स प्रोग्राम करता था जहाँ से कुछ पैसे भी आ जाते थे। इस साल पर आज ही पैसे आने वाला काम कर रहा हूँ। कल मैं अपने परिवार के साथ था, वाइफ और बच्चों के साथ, तो घर पे ही खाना पीना बना और थोड़ा सा हम बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे कि बाहर थोड़ी भीड़ होती है, पब्लिक होती है, पब्लिक का प्यार मुझे इतना मिलता है कि मुझे कभी कभी तकलीफ मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं लोग इसलिए और मुझे तो आदत है, इनका प्यार मुझे कबूल है, लेकिन मेरी वाइफ कई बार नाराज़ हो जाती हैं, ये क्या है वो क्या है, आप क्यों मुस्कुराते हो लोग, आप क्यों साइन देते हो, फ़ोटो क्यों खिंचवाते हो, लेकिन ये तो मेरा जॉब है तो मुझे वो फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। तो कल मैं बाहर नहीं निकला, घर पे ही था और साल अच्छा जा रहा है, ये साल की शुरुआत आज बताइए एक बढ़िया सा बेपरवाह मुहूर्त पर हम आ गए हैं सबको परवाह में लाने के लिए। और आप बताइए ये जो हैं ये कैमरा इनकी तरफ घुमाइए जरा, ये किस हीरोइन को रिप्लेस करने वाली हैं? ये हर आए दिन अच्छा, ये मेरे मन की बात है ना।